सक्सेस से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उसका परिचय आपको दे देते हैं। दरअसल ये संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय से लेकर अब गृह मंत्रालय भी इनके हाथ है। जी हाँ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह से मिलने उनके पैलेस आए हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, कुछ पॉलिटिकल और कुछ नॉन पॉलिटिकल। आरपीएन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी 2013 और 2012 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस जो आगे आने की बात कर रही थी थोड़ा पीछे गई है, तो संगठन स्तर पर 2014 में आप पब्लिक को सरप्राइज देने के लिए किस तरीके के बदलाव करने जा रहे हैं? जब भी लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश के परिणाम हमेशा अलग होते हैं। पिछले बार भी अगर आप देखा जाए 2009 के चुनाव से पहले 2007 में जो विधानसभा के परिणाम आए थे उसमें कांग्रेस ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया था, परंतु जब केंद्र की बात आई थी तो लोगों ने कहा था 2009 में कि कांग्रेस 5 सीट जीतेगी, 10 सीट जीतेगी, परंतु सबसे ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र में एमपी के चुनाव में 22 सीटें केंद्र में कांग्रेस में जीत उन्होंने दर्ज करवाई थी। उसी चीज को आप देखें तो पिछले विधानसभा के इलेक्शन में उम्मीदें बहुत थी हमको कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, और दुर्भाग्यपूर्ण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। परंतु अब फिर से केंद्र का चुनाव आ रहा है कि अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के लोग रीजनल पार्टीज की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि इस पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो हरा सकता है। हम ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाए थे बहुजन समाज पार्टी के, और उनको लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों को लगा। पर जब केंद्र की बात होती है, ये एनडीए की हुकूमत सरकार में आएगी या तो यूपीए की सरकार केंद्र में आएगी। 2004 में यूपीए जीत के आई, 2009 में भी यूपीए जीत के आई। उत्तर प्रदेश में इन 10 सालों में जो आम आदमी के लिए, गरीब के लिए केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत केंद्र में फिर से लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश को अच्छे परिणाम सामने। हमने अनलीश किया है कि नौजवानों को, राहुल जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिस्सेदारी उनको राजनीति में करने की जरूरत है। 50% से ज्यादा लोग, 60% से ज्यादा लोग नौजवान हैं, तो अगर इस देश का भाग्य बनाना है तो जब तक नौजवान आगे नहीं आएगा और राजनीति में भागीदारी नहीं करेगा तब तक उनका भविष्य, और 60% से ज्यादा लोग नौजवान हैं, तो अगर इस देश का भाग्य बनाना है तो जब तक नौजवान आगे नहीं आएगा और राजनीति में भागीदारी नहीं करेगा तब तक उनका भविष्य और देश का भविष्य नहीं बन पाएगा। रोजगार का ध्यान हमने हमेशा दिया। अगर आपने देखा हो गांव के अंदर आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए एक मनरेगा एक बहुत बड़ी योजना रही। किसानों के मुद्दे में आपने देखा होगा तो हमने किसानों को ऋण माफ करके, जो किसानों की बात हर पार्टी करती है पर अगर किसी पर ठोस कदम उठाया तो कांग्रेस पार्टी ने उस कदम उठाया। बेहतर योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसी खबरें भी आती हैं, चाहे मनरेगा, एनआरएचएम। तो आपकी बात एनआरएचएम उसको कौन क्रियान्वयन करता है, वो तो प्रदेश सरकार करती है। मनरेगा को कौन क्रियान्वयन करता है, वो प्रदेश सरकार करती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में हमने फूड सिक्योरिटी बिल स्वीकृत पूरे देश में किया, परंतु उत्तर प्रदेश में अभी तक लागू नहीं हो पाया, जहां की 70% लोगों को अनाज कम दाम पे मिलेगा। अच्छा। तो मैं समझता हूँ इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने, सरकार कह रही है उसके पास बेहतर योजना है इससे ज्यादा, इसे कि 70% लोगों को अनाज दिलाने के लिए 3, 2 और 1 रुपए पे अगर कोई है कार्यक्रम तो उनको जनता को बताना चाहिए। क्यों नहीं पूरे देश में कार्यक्रम लागू है परंतु उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है? यहां भी गरीब जनता रहती है, और उनके लिए केंद्र सरकार ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए योजना नहीं बनाई है परंतु पूरे देश के लिए बनाई है। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया, मेरठ में किया, बनारस में किया, और इस चीज के लिए, इसको लागू करने के लिए हम इसके लिए आवाज उठाते रहे। खबरें आ रही हैं कि मुलायम सिंह यादव, जेडीयू, सीपीएम एक मंच पर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जयललिता और सीपीआई एक साथ हैं। कांग्रेस इस बीच में थर्ड फ्रंट की जो संभावना है उसे इनकार नहीं कर सकते, और ना ही आप क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उसको आप भूल सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में आना है तो मुलायम मायावती को साथ कैसे लेंगे, बिहार में आना है नीतीश लालू को साथ में कैसे लेंगे? कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है, ना तो बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में है, ना तो समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दलों के गठबंधन में नहीं। थर्ड फ्रंट का मतलब ये हुआ कि वो 100 सीटों पर लड़ेंगे। अच्छा। तो 100 सीट पे थर्ड फ्रंट तो कोई है नहीं। अगर जेडीयू को देख लिया जाए और समाजवादी पार्टी को आज भी देख लिया जाए तो ये 50 सीट भी इन लोगों के पास नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि दिल्ली में जो आपने करा सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ, अब आप उससे पछता रहे? बिल्कुल नहीं, हमने मौका दिया,
एक पार्टी को जिसने वादे दिल्ली को किया, दिल्ली के लोगों ने उनको समर्थन काफी जो बेजोड़ समर्थन दिया, तो कम से कम उनको हमें मौका जो उन्होंने आश्वासन और जो वादे उन्होंने जनता के सामने रखे थे, हमने उनको मौका दिया उन आश्वासनों को वो पूरा करें और जनता के सामने जो उन्होंने चीजें रखी थी उनको पूर्ण करने में उनको मौका मिले। ऐसी कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो आपको लग रहा है कि आपकी विचारधारा से मैच करेंगे, जिनसे आप कनेक्ट भी कर सकते हैं और गठबंधन भी कर सकते हैं, चुनाव के पहले भी या फिर बाद में? सही, चुनाव के पहले तो हमारी जिनसे बातें चल रही है तो शीर्ष नेतृत्व करेगा। अच्छा। परंतु जो चर्चा आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी और पासवान जी के साथ गठबंधन की बातें चल रही हैं, जो लोग हमारे साथ यूपीए में हैं उनसे एनसीपी है उनसे समर्थन की बात की, और कांग्रेस पार्टी जो विचारधारा एक धर्मनिरपेक्षता की है, एनसीपी ड्रिफ्ट नहीं होती जा रही बीजेपी की तरफ? देखिए, हमने तो अभी तक तो कुछ ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार दिल्ली में भी उनके समर्थन के साथ है, उनके मंत्री भी यूपी में शामिल है। मैं समझ सकता हूँ मीडिया में ज्यादा। सर, आपका क्या रोल होगा 2014 के चुनाव में कांग्रेस को एक कह सकते हैं, क्योंकि आप थिंक टैंक उसमें है, टीम में, आपका क्या रोल होगा, आपको किस तरह की जिम्मेदारी चाहते हैं, क्या आप फ्रंट फेस रहेंगे, राहुल गांधी के साथ रहेंगे रैली वगैरह? देखिए, मैं तो क्योंकि स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव स्वयं लड़ रहा हूँ, तो ज्यादा समय अपने क्षेत्र में देना होगा, परंतु उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं और जो रैलियां कांग्रेस की होंगी उसमें जरूर हिस्सा लूंगा। अभी हाल में मैंने एक रैली बलिया में भी की थी, तो कांग्रेस को मजबूती पाने के लिए जहां भी उत्तर प्रदेश में मुझे भेजा जाएगा उसमें अवश्य भागीदारी करूंगा और कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अच्छी से हिस्सा लूं। सर, पूर्वांचल के खूबसूरत इतिहास से आप भी वाकिफ है, लहलाते खेत है, खूबसूरत सी नदियां हैं और एक अच्छा मैन पावर कह सकते हैं, मैन पावर स्किल यहां पर है। समय समय पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी आती है, चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी, खासतौर पर बीएसपी, पूर्वांचल को उत्तर प्रदेश से अलग करने की बात होती है। अभी तेलंगाना पर आप लोग तो वैसे भी झेल रहे हैं, कई आंध्रा से मंत्री अलग हुए कि उन्होंने इस्तीफा दिया, अगर पूर्वांचल का मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जो अभी बैक सीट पर है, फ्रंट में आया, अगर आप आ गए तो इस पर आपके क्या विचार होंगे? इसमें सब लोग की निजी राय है, कांग्रेस पार्टी ने तो छोटे स्टेटों का क्रिएशन में हमेशा मदद की है और सोच भी उसकी रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, अभी तक उसमें आगे बढ़कर किसी ने कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि जो सत्ता इस समय जो सत्ता में पार्टी है उसने भी इसका हमेशा विरोध किया है। इसमें पार्टी ने कोई निर्णय अभी उस तरह का लिया नहीं है, पर पूर्वांचल को अगर कोई भी शक्तिशाली बनाने की बात करेगा, पूर्वांचल की एक और विकसित करने की बात करेगा, तो हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश को तो विकसित करेंगे, पूर्वांचल का मौका मिलेगा तो पूर्वांचल को भी विकसित करेंगे। मतलब पूर्वांचल आपकी प्रायोरिटी में है? नहीं, पूर्वांचल क्योंकि एक पिछड़ा हुआ इलाका है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में और भी इलाके पिछड़े नहीं है, परंतु विकसित करना सबसे पहले जरूरत है, और इन 5 सालों में जो मुझे मौका मिला पूर्वांचल को भी विकसित करने की मैंने कोशिश की, जिसमें अपना क्षेत्र कुशीनगर भी आता है उसको भी विकसित करने की कोशिश की, और अगल बगल जिले जो पूर्वांचल के हैं उनको भी विकसित करने का प्रयास अवश्य किया है। मैनिफेस्टोज में हमेशा हमने लोकसभा चुनाव में देखा फ्रीबीज का ऐलान होता है, क्या ये जो ऐलान होता है, ये हम मुफ्त दे रहे हैं, वो मुफ्त दे रहे हैं, वो जनता को आत्मनिर्भर कम बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ निर्भरता ज्यादा आप पर हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट? हमने फ्री देने की बात बिल्कुल नहीं की है, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र आगे करेगी, केंद्र पे हमने एक बार एक नई योजना बनाई है कि जिसमें राहुल गांधी जी ने पहल की है कि हम जनता के बीच में जाकर डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट लोकेशंस में जनता की राय पूछेंगे कि आप हमारे मैनिफेस्टो में क्या चाहेंगे। अगर आपने देखा होगा हाल में ही राहुल गांधी जी तमाम नौजवानों के साथ तमाम बेंगलुरु में उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया, तमाम और जगह तमिलनाडु में भी ये कार्यक्रम हुआ कि जनता के बीच में जाकर उनसे राय लेकर कि मैनिफेस्टो में आप क्या समझते हैं, प्राथमिकता क्या होती है। तमाम संगठनों से हमने पूछा कि आप हमें राय दीजिए कि हमारे मैनिफेस्टो में देश के लिए, देश के हित में क्या क्या चीजें हैं जो उसमें उनकी आवश्यकता है, तो इसको और ब्रॉड बेस बनाया है मैनिफेस्टो। पहले सीनियर लीडर कुछ, मतलब आपका फोकस आत्मनिर्भरता पर ज्यादा रहेगा, ना कि आप पर निर्भर रहे पब्लिक कि हमें इन रिटर्न में कुछ मिले तो हमें। हम बोलेंगे जो जनता से, हम ये पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में हो जो आम जनता को राहत पहुंचाने का काम अवश्य करेगा।
सर एक इम्पोर्टेंट सवाल, आप अभी तक उत्तर प्रदेश के ट्रॉपिकल इश्यूज पर हमने बात करी, देश पर बात करी, आपको लगता है कि ये चुनाव जो हर जगह बात की जा रही है, ये चुनाव राहुल बनाम मोदी है, आपको लगता है? कभी भी नहीं देखिए, ये तो अखबार के लिए और टेलीविजन के लिए अच्छे टीआरपीज के लिए राहुल और मोदी का बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। आज हम इतने साल पुराने साल पुरानी पार्टी इसलिए क्योंकि एक विचारधारा को, एक सोच को जीवित रखने की बात की है। उसमें हमारे तमाम नेता आए और सोच को और मजबूत बना के आगे गए हैं। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आपकी इसी विचारधारा के कारण हो सकता है कि कांग्रेस इस बार 1977 जैसे हालात में चली जाए। ऐसा है कि राजनीति में कभी जीत होती है, कभी हार होती है, पर ये तो मंचों से कहते ना, उनको 66 साल का मौका दिया, तो जनता को अगर इतिहास देखा जाए, देश का जब से स्वतंत्र हुआ है सबसे ज्यादा मौका इसी सोच को दिया, इसी सोच को दिया जिन लोगों ने जहर बोने का और काटने का काम किया है, इसलिए उनको मौका बहुत कम मिला है। और जिसने इस सोच को, देश को एक होकर विकसित करने की बात की है, इसलिए उसको 66 साल दिया है। उनको अपने जहन में देखना चाहिए कि मौका उनको इतना क्यों नहीं देती है जनता। तो आरपीएन सिंह जी से हमने अब तक राजनीति की बात करी है, लेकिन राजा से राजनीति का सफर उन्होंने कैसे तय किया, सियासत के शुद्धिकरण के उनके पास क्या अचूक उपाय हैं, कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह के बारे में जानेंगे, फौरन लौट रहे हैं। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। हेयर डैमेज की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ दें, नए डव इंटेंस रिपेयर की शैम्पू प्लस कंडीशनर पैक के साथ। शैम्पू डैमेज रिपेयर करे और कंडीशनर नरिश करे, बालों को बनाए कोमल और मुलायम। डैमेज टू ब्यूटीफुल हेयर इन 2 सिंपल स्टेप्स सिर्फ 5 रूपए में। पेश है बजाज डिस्कवर 125 DTSI technology, 11 PS power, Nitrox suspension, disc brake, इतना कुछ सिर्फ 47,000 रूपए से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी, अब रेडी सिर्फ 5 रूपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रूपए में हमारा बेस्ट एवर निखार, अब 5 रूपए में रोज रेडी। बजी क्या घंटी बजी, तो दिल का दरवाजा भी खोल दीजिए। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। विकास की पटरी पर बदलाव की रफ्तार, सपनों के शहर की क्या है जमीनी हकीकत, देखिए इलाके की तस्वीर सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शॉट की शह पर स्पोर्ट्स को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जा, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। प्रायोजक TVS जुपिटर और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। आप एक अच्छे खासे पैलेस में हैं और आप पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कह सकते हैं अपने आप को कनेक्ट करते हैं, क्यों, क्या कारण था, आपके पास तो सब कुछ था, पॉलिटिक्स ही क्यों? यदि हमारा इस क्षेत्र से एक पारिवारिक लगाव रहा है, एक परिवार के जैसे यहाँ के लोगों ने हमको सम्मान दिया और हमने उनको सम्मान दिया है, उसी की कड़ी में मैं कभी नहीं चाहता था कि राजनीति में आना, मैं तो
विदेश हरपिंद सिंह हेट पॉलिटिक्स ऐसा था? नहीं ऐसा तो नहीं, हेट पॉलिटिक्स की तो क्या बात है देश में सर, लेकिन आजकल आजकल किसी भी बच्चे से आप बात कर लो वो कहता है ठीक राजनीति बहुत गंदी चीज है, पॉलिटिक्स कर रहे हो तुम, इससे थोड़ा सा आपके जो काम है जो कर्म क्षेत्र उसको एक थोड़ा सा दागी नहीं हो जाता है? मैं समझ सकता हूँ, दुर्भाग्य है कि सारे नेताओं को एक ब्रश के साथ ही पेंट कर दिया जाता है। हाँ। किस्म किस्म के नेता हैं, किस्म किस्म के एंकर होते हैं, किस्म किस्म के टेलीविजन चैनल्स होते हैं, किस्म किस्म के पत्रकार होते हैं, किस्म किस्म के डॉक्टर होते हैं, सबको एक ही ब्रश के साथ आप पेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं, जो लोगों ऐसा नहीं है कि राजनीति में अच्छे लोग भी नहीं है, परंतु हमारा ध्यान सिर्फ उन लोगों पर जाता है जो गलत काम करते हैं या इस तरह का एक मानचित्र बन गया है, उसकी ज्यादा देन मैं समझ सकता हूं टेलीविजन है कि दिन भर अगर टेलीविजन पे नेताओं पर चुटकुली रहते रहते हैं, अगर कोई नेता कुछ अच्छा काम भी करते हैं, तमाम नेता हैं जो अच्छा काम भी करते हैं, उससे लोग कम वाकिफ होते हैं। आपका रोल मॉडल ऐसे में कौन है पॉलिटिकल? मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी थे, उन्होंने इस देश इस इलाके की एक पहचान और आवाज बनाई। अगर हम देश से देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बड़े बड़े इस पूर्वांचल में देखा जाए, नहर उन्होंने 1950 में देखी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्टील प्लांट्स, भाखड़ा नंगल डैम, ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए जो आज उत्तर प्रदेश को ही नहीं देश को विकसित करने का काम कर रहा है। तमाम लोग हैं, इंदिरा जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, तमाम नेताओं ने इस देश को, किसानों की बात की, जवानों की बात की, तमाम नेताओं ने इस देश को आगे ले जाने की बात की। राजीव जी ने इस देश को बिल्कुल विकसित करने के लिए कंप्यूटर युग किया, और जब राजीव जी ने बात करी थी कंप्यूटर लाने की बात, तो इसी विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा को घेराव किया था बैलगाड़ियों से और कहा था कि ये तो नर्क हो जाएगा, जब किसान बर्बाद हो जाएगा, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलेगी। उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने, जो आगे इन्होंने काम इस देश के लिए किया है। अपनी पार्टी के लोग आपके लिए रोल मॉडल है? क्योंकि उस सोच में मैं विश्वास रखता हूँ। और कोई ऐसा? मैं ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने अच्छा काम किया, पर जिस पार्टी में थे उस सोच से मैं वाकिफ नहीं रखता हूँ। उन्होंने भी काम करने की कोशिश की, पर जिस पार्टी में वो थे उस पार्टी से मेरी सोच नहीं खाती है, इसलिए रोल मॉडल नहीं हो सकता है। मैंने भारत, जो भी भारत में पैदा हुआ है वो भारतीय है, उस देश का हिस्सा है, वो जब तक इस भारतवर्ष का हर व्यक्ति विकसित नहीं होगा, सचमुच में उत्तर प्रदेश या देश विकसित नहीं। जो आम आदमी अगर आपके पास आएगा तो आप उसको, अगर वो चाहेगा कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो आप उसको सियासत के शुद्धिकरण के क्या ऐसे तीन उपाय बताएंगे कि वो सियासत में आ जाए, सियासत से दूर ना भागे? देखिए, अगर आपने देखा होगा, हमने मौका दिया, एक गरीब व्यक्ति परिवार का लड़का, उसने हमेशा बचपन से इस इलाके की और इस इलाके के गरीबों की आवाज उठाई, कांग्रेस पार्टी में उसको मौका दिया। अजय लल्लू 33 साल का लड़का है, उसने उसको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के बीच में रहा, उसकी आवाज उठाई और उसको हमने टिकट दिया। आरोप है कि आपके साथ सिर्फ एलीट जुड़ते हैं। अजय लल्लू जी अगर एलीट हैं या नहीं है, या आप पता कर सकते हैं। अजय लल्लू जी इस क्षेत्र के लिए 33 साल का लड़का, जिसके ऊपर 60 केस पुलिस और बाकी लोगों ने लगाया, क्योंकि जनता के लिए कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ, उसने जनता के खिलाफ। और केंद्रीय स्तर पर सर, और इसमें और तमाम लोगों को केंद्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो तमाम लोगों को, ऐसे नौजवानों को मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आज जब मैं जाता हूं लोकसभा में, तो कभी कभी लगता है कि किसी कॉलेज कैंटीन में नहीं आ गया हूं। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे नौजवान लोगों को टिकट दिया है, वो मीनाक्षी जी हों, वो मानिक टैगोर हों, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिला है, जो आज सांसद हमारे पार्टी के हैं और काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र। अगर आरपीएन सिंह को टीवी पर देख रहा है तो वो मन में सोचता है, यार इतने बड़े मंत्री, इतने इम्पोर्टेंट, जो सोचता है वो मैं आपको बता रही हूँ। दाऊद इब्राहिम कब पकड़ा जाएगा, आतंकवादी जो स्लीपर मॉड्यूल सेल्स है जो एक्टिव हो रही है उसका कब वो होगा, कुछ ऐसे मसले हैं विदेश नीति पर, मैं आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि आपका वो पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन दाऊद इब्राहिम कुछ ऐसे क्रिमिनल हैं जो देश को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, ब्लास्ट के रूप में, कम्युनल वायलेंस के रूप में, उस पर आप कितना तेजी से काम कर रहे हैं? देखिए, अगर एक साल में आप देखा जाएगा तो सबसे बड़े आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में गृह मंत्रालय और हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने किया है, वो टुंडा हो या भटकल हो, जो बड़े बड़े कुख्यात
आतंकवादी इस देश के रहे हैं। बहुत बड़ी सफलताएं हमको मिली है, उनके माध्यम से हमने और लोगों को मॉड्यूल्स को भी तोड़ा है और कोशिश की गई है कि इस सरजमी पे एक भी बम न फटे, एक भी कोई व्यक्ति का देहांत न हो पाए। दुर्भाग्य है कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं, पर हमारी कोशिश है कि मजबूती के साथ आतंकवाद को इस अपनी मिट्टी से हटाने का कार्य जो कुछ भी हमारे मंत्रालय को कदम उठाने पड़ेंगे उनको अवश्य। लेकिन आपके के मंत्रालय पर आरोप लगता है कि दाऊद इब्राहिम के लिए हर संभव कोशिश नहीं की जा रही, ओवैसी हैदराबाद में भड़काऊ भाषण दे देते, कुछ किया नहीं जा रहा। किस तरीके से एक समन्वय और हेल्दी पॉलिटिक्स के जरिए इन क्रूशल इश्यूज का हल हो सकता है? देखिए, ये ऐसा है, आरोप लगाना बहुत आसान है। जो जो कदम हम किसी के लिए भी उठा रहे हैं, बहुत कदम, अगर उसमें हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी शिंदे साहब ने स्वयं कहा था कि जब एफबीआई की मीटिंग हुई थी उन्होंने अमेरिका और बाकी एजेंसियों से भी बात की है कि किस तरह दबाव बना के तमाम जिस कुख्यात अपराधियों की आप बात कर रहे हैं उनको पकड़कर इस देश में लाकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट करें कुछ नहीं, हम उस पर दबाव बनाते रहेंगे। अब एक्सेप्ट ऐसी चीजें हैं कि हम हमारे पास कोई ठोस समय में फ्रेम में नहीं दे सकते, परंतु अगर पिछले एक साल में देखेंगे तो तमाम कुख्यात अपराधियों को हमने पकड़ा है, जिन अपराधियों ने इस देश पर हमला किया था उनको फांसी भी दिलवाई है और कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलवाने का काम किया है। और जो हम पर उंगली उठाते हैं कि कांग्रेस सरकार आतंकवाद पर बहुत कमजोर है, हमने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, उनको अपने गिरबान में झांक के देना चाहिए कि जब वो सत्ता में थे उन्होंने आतंकवादियों को हवाई जहाज से अपना हमारे पड़ोस वाले मुल्क पर पहुंचाया था, तो वो अगर हम पे आरोप लगाते हैं तो बड़े मजाक सा लगता है। लेकिन आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, आप उस समय होते तो आप क्या करते? हम जब करते तो अब हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो आंसर नहीं कर सकते मैम, पर हमने कम से कम ऐसा तो काम नहीं किया है अभी तक, तो हमने मजबूती से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, कानूनों में बदलाव किया है और सख्त कानून लाए हैं, पकड़े गए हैं लोग और भी पकड़े जाएंगे। ठीक है, जाते जाते हमें बताइए आपकी लाइक्स डिसलाइक, आपकी हॉबी क्या है? हमें ये सबको पता चल गया कि आरपीएन सिंह बेहतरीन डांस करते हैं, लेकिन उसके अलावा आरपीएन जी अपनी लाइक्स डिसलाइक को परस्यू करने के लिए खाली टाइम में क्या करते हैं? साहित्य, संस्कृति, म्यूजिक, आपका इंटरेस्ट क्या है? देखिए, जब से मंत्री बना हूं तब से तो कम समय मिलता है कुछ भी करने के लिए और भागदौड़ ज्यादा, जिम योगा वगैरह समय बिल्कुल है नहीं उसके लिए, पर क्या कभी कभी मौका मिलता है तो जरूर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तमाम नॉवेल्स भी पढ़ने के चाहता हूँ, लाइट रीडिंग, सीरियस रीडिंग दोनों चीज करने की कोशिश करता हूँ कभी कभी मौका मिले। बहुत मुश्किल होता है, फैमिली के साथ आउटिंग हो पाती है? बहुत कम होने का मौका मिलता है, परंतु समय कोशिश करता हूँ कि परिवार के साथ भी समय देना चाहिए कि उनके तरफ भी आपके दायित्व होते हैं, उनका भी निर्वाह करने की आवश्यक है। इस देश के यूथ को एक युवा नेता क्या संदेश देना चाहता है हमारे कैमरा के माध्यम से? मैं समझ सकता हूं कि उनकी आवाज और एक बदलाव की बात जो करते हैं शांति प्रिय ढंग से, पॉजिटिव एनर्जी जो नौजवान की होती है राजनीति में आकर और राजनीति से बाहर से एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि सच्चाई की आवाज उठानी चाहिए और परिवर्तन इस देश में नौजवानों को ऐसा करना चाहिए कि ये देश सचमुच में जो सपने हमारे पूर्वजों ने देखा था उस तरह विकसित हो पाए और नौजवानों को जिस तरह की नौकरियां उनको जरूरत है उनके कार्यों में जितनी सफलता मिल सके, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे मौके मिले, ये हम सबको नौजवानों को मिलके और उन हमारा कर्तव्य नेता होने का उस दायित्व भी बनता है कि उन सब चीजों को हम पूर्ण करने तो इन सब चीजों में आने वाले समय में आप वी फॉर विक्ट्री साइन दिखाएंगे? अब ये तो जनता ही दिखा सकती है। आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आरपीएन जी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। आरपीएन सिंह अनप्लग्ड, मुख्य बातें पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हमने आपको पहुंचाई। आपको इस कार्यक्रम कैसा लगा हमें ट्वीट जरूर करें।